हिंदी साहित्य के इतिहास में जब कभी उपन्यास का प्रसंग आता है, तब उपन्यास के साथ साथ समानांतर रूप से उपन्यासकार के रूप में एक और नाम भी सामने आता है, और वह है प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को एक ओर जहां आधुनिक हिंदी कहानी का पितामह कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। सच तो यह है कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में उपन्यास और कथा लेखन के क्षेत्र में प्रेमचंद मील के पहले पत्थर हैं। जिस युग में प्रेमचंद ने साहित्य लेखन के लिए अपनी कलम चलाई थी, उस समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस परंपरा विरासत के रूप में नहीं थी, और न ही विचार और प्रगतिशीलता का कोई ऐसा अनुकरणीय प्रतिरूप था जिसका या तो वे अनुसरण करते अथवा उसमें संवर्धन करते। हालांकि उस समय भारतीय और विश्व साहित्य में बाबू बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शरत चंद्र जैसे भारतीय तथा टॉलस्टॉय जैसे रूसी साहित्यकार थे। इन सब के बीच प्रेमचंद ने अपनी उपन्यास कला के शिखर तक पहुंचने के लिए अनेक प्रयोग किए। उन्होंने अपने साहित्य में प्रयुक्त की गई कथा और उसके प्रतिमानों को स्वयं ही आकार दिया और स्वयं ही प्रकारांतर से उसमें जीवंत हुए। जब आप लिख रहे थे, उस समय भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन अपने चरम पर था। ऐसे समय में आपने अपने कथा साहित्य के द्वारा हिंदी और उर्दू भाषा में जो अभिव्यक्ति दी, उस अभिव्यक्ति ने राजनीतिक धरातल पर जनसाधारण में आंदोलन के प्रति उत्साह का संवर्धन किया। प्रेमचंद का संबंध उनकी विचारधारा के कारण प्रगतिशील भी रहा है। सन 1936 में आपने सभापति के रूप में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सम्मेलन में जो उद्बोधन भाषण दिया था, वही प्रगतिशील आंदोलन के घोषणा पत्र का आधार बना। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की जिस परंपरा को जन्म दिया था, सभी जानते हैं कि एक पूरी पीढ़ी उस परंपरा के निर्वाह में उनके कदमों पर आगे बढ़ी। 20वीं शताब्दी के 50-60 के दशक में फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन और बहुत बाद में श्रीनाथ सिंह ने ग्रामीण परिवेश को लेकर जो कहानियां लिखी, वह एक तरह से प्रेमचंद की परंपरा के अंतर्गत ही आती हैं। आप एक क्रांतिकारी रचनाकार थे। आपने देशभक्ति के साथ साथ समाज में फैली हुई अनेक कुरीतियों और विसंगतियों को भी देखा और उन सबको अपने कथा और उपन्यास साहित्य के माध्यम से सबसे पहली बार समाज के सामने रखा। आपने तत्कालीन समय में समाज की जो भी समस्याएं और कुरीतियां थी, उन सभी को अपने साहित्य में चित्रित करना प्रारंभ कर दिया था। इनमें दलित भी सम्मिलित थे और नारी भी। ये विषय आगे चलकर हिंदी साहित्य में विमर्श का आधार बनते हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम दंपत राय श्रीवास्तव था। आपको मुंशी प्रेमचंद और नवाब राय के नाम से भी जाना जाता रहा है। आपने सबसे पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखना प्रारंभ किया था। प्रेमचंद को बंगाली उपन्यासकार श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट के नाम से सम्मानित किया था। बाद में आपके अनेक प्रशंसकों ने आपको कलम का सिपाही और कलम का जादूगर भी कहा। यह कम रोचक नहीं है कि प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। प्रेमचंद प्रारंभ में अध्यापक थे और उस समय अध्यापकों को मुंशी कहा जाता था। इसी तरह उस समय कायस्थों में किसी के नाम के आगे सम्मान स्वरूप मुंशी शब्द लगाने की परंपरा रही थी। हो सकता है कि प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी शब्द जुड़कर रूढ़ हो गया हो, किंतु
प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी शब्द जुड़ने का प्रामाणिक कारण यह भी रहा है कि तब प्रेमचंद और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी दोनों मिलकर हंस नामक पत्रिका का संपादन करते थे। पत्रिका में संपादक का पूरा नाम न छापकर केवल मुंशी प्रेमचंद छपा रहता था। मुंशी कन्हैयालाल मुंशी के लिए था और प्रेमचंद प्रेमचंद के लिए था। कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर के निकट लमही गांव में हुआ था। आपकी माताजी का नाम श्रीमती आनंदी देवी तथा पिता का नाम श्री अजायब राय था। खेती आपके घर का मुख्य व्यवसाय था, किंतु निर्धनता के कारण विवश होकर आपके पिता को 20 रुपये मासिक वेतन पर डाकखाने में लिपिक की नौकरी करना पड़ी थी। यही कारण था कि बचपन से ही आपको कृषक जीवन और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन की कठिनाइयों का अनुभव हुआ। यह वह समय था जब आपकी छोटी छोटी अभिलाषाएं भी प्रायः अपूर्ण रह जाती थी। अपूर्ण अभिलाषाओं और गरीब जीवन को लेकर आप जीवन पथ के संघर्ष की ओर अग्रसर हुए। आपकी 3 बहनें थीं, किंतु 2 की अकाल मृत्यु हो गई और तीसरी बहुत दिनों तक जीवित रही। 5 वर्ष की अवस्था में आपकी शिक्षा प्रारंभ हुई। आपके पिता पुरानी पीढ़ी के थे, अतः उर्दू के प्रति उनका लगाव बहुत अधिक था। यही कारण था कि प्रारंभ में आपको उर्दू और फारसी की शिक्षा दी गई। 8 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की लंबी बीमारी के पश्चात आपकी माताजी का देहांत हो गया। एक ओर तो दरिद्रता से भरा जीवन और अपूर्ण अभिलाषाएं तथा दूसरी ओर माताजी के प्रेम से वंचित होना आपके जीवन के महत्वपूर्ण दुखद बिंदु थे। जीवन के त्रासदी युक्त यही अनुभव आगे चलकर आपके साहित्य के आधार बने। प्रेमचंद को पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की अवस्था तक आपने श्री रतननाथ सरसार, मिर्जा रुसवा और मौलाना शरर की उर्दू रचनाओं का विशेष रूप से अध्ययन किया। इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण रचना तिलिस्म ई होशरुबा विशेष उल्लेखनीय है। आप निर्धन थे, किंतु परिश्रम और ईमानदारी के साथ रुपया पैदा कर उपन्यास पढ़ते थे। आप कभी भी कठिनाइयों से घबराए नहीं। इन आदर्शों के अनेक उदाहरण आपके साहित्य में बहुतायत से मिलते हैं। आपके जीवन में कठिनाइयों की भीषणता जितनी बढ़ती गई, अध्ययन के प्रति आपका प्रेम भी उतना ही बढ़ता गया। जीवन के पथरीले और कांटों से भरे हुए ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर अपने लहू लुहान पैरों और हृदय को लेकर आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। आप ट्यूशन करते थे, अंधेरी कोठरी में तेल की कुप्पी से पढ़ते थे, किंतु शिक्षा प्राप्त करने में कभी भी शिथिलता नहीं आने दी। सन 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास विषय लेकर इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके पश्चात 18 रुपये मासिक के वेतन पर एक स्कूल में अध्यापक बने। सन 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में प्रेमचंद की माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण आपका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। 15 वर्ष की उम्र में आपका पहला विवाह हुआ, किंतु वह सफल नहीं रहा और सन 1905 में आपने अपनी पहली पत्नी को त्याग दिया। आप आर्य समाज से प्रभावित थे और विधवा विवाह के समर्थक थे, अतः सन 1906 में आपने अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप एक बाल विधवा सुश्री शिवरानी देवी से अपना दूसरा विवाह किया। शिवरानी देवी से आपको 3 संतानें प्राप्त हुई, श्रीपत राय,
अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। सन 1910 में आपकी रचना सोजे वतन अर्थात राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने आपको बुलाकर आप पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया और सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई और भविष्य में जेल भेजने की धमकी भी दी गई। इस समय तक आप धनपत राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जवाना पत्रिका के संपादक आपके घनिष्ठ मित्र मुंशी दया नारायण निगम ने आपको प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके पश्चात आप प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और अपना आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। प्रेमचंद अपने लेखन के प्रति बहुत ईमानदार थे। अंधेरी कोठरी में तेल की कुप्पी के उजाले में जब वे लिखते थे और जब आपको नींद आती थी तो वे कुप्पी के तेल को अपनी आंखों में मल लेते थे जिससे उन्हें जलन के कारण नींद न आए और वे रात रात भर लिखते रहें। प्रेमचंद सांप्रदायिक संकीर्णता से बहुत ऊपर थे। उन्होंने अपने विचारों की स्वतंत्रता तथा लेखक की स्वाधीनता को बनाए रखने का बराबर प्रयत्न किया। अंग्रेजी सरकार ने अनेक बार आपका दमन करना चाहा, फिर भी आप उनके सम्मुख नतमस्तक नहीं हुए। कुछ दिनों तक आपने एक राष्ट्रीय शिक्षण संस्था काशी विद्यापीठ में शिक्षण कार्य किया। लेखन कार्य के अतिरिक्त आपने जमाना ज्ञानमंडल लिमिटेड वाराणसी द्वारा प्रकाशित मर्यादा, माधुरी, जागरण तथा हंस आदि पत्रों का समय समय पर संपादन करते हुए साहित्य में उच्च आदर्शों की स्थापना की। यहाँ यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि आपने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी थी। जीवन के अंतिम दिनों में आप गंभीर रूप से बीमार पड़े। आप अपना अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं कर सके जिसे बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। लंबी बीमारी के पश्चात 8 अक्टूबर सन 1936 में आपका निधन हो गया। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। आपने उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त नाटक, लेख, समीक्षा, संपादकीय और संस्मरण आदि अनेक विधाओं में भी अधिकारपूर्वक लिखा है। प्रमुख रूप से प्रेमचंद की पहचान कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में हुई है। आपने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका और पत्र आदि की रचना की। आपने हिंदी और उर्दू भाषा में समान अधिकार से लिखा। प्रारंभ में आपने उर्दू में लिखना प्रारंभ किया, बाद में आप हिंदी में लिखने लगे। प्रेमचंद की सबसे पहली मौलिक कहानी संसार का अनमोल रत्न बताई जाती है जो सन 1907 में जमाना में छपी थी। हालांकि आपके साहित्यिक जीवन का प्रारंभ सन 1901 से प्रारंभ हो चुका था। पहले आप रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों के उर्दू अनुवाद करते रहे, बाद में स्वयं भी उर्दू में मौलिक कहानियां लिखने लगे। प्रेमचंद नाम से आपकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर सन 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। कुछ विद्वानों के अनुसार आपकी पहली हिंदी कहानी सौत सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में सन 1915 में प्रकाशित हुई और सन 1936 में अंतिम कहानी कफन के नाम से प्रकाशित हुई। प्रेमचंद के साहित्य में जीवन के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद के आगमन के पूर्व हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही लिखी जाती थी। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। कहा जाता है कि प्रेमचंद का साहित्य आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के पहले सर्वोत्कृष्ट मौलिक उपन्यासकार हैं।
आपके उपन्यास लेखन की प्रमुख विशेषता यह है कि आपने हिंदी पाठकों की अभिरुचि को चंद्रकांता के रहस्यमयी तिलिस्मी अंधकार से बाहर निकालकर एक स्थायी साहित्यिक नींव पर स्थापित किया। इसके साथ ही आपने अपने लेखन के प्रभाव से बंगाल के बंकिम बाबू और अंग्रेजी के उपन्यासों की मांग को बिल्कुल ही रोक दिया। साथ ही आपने समाज के अभिजात्य वर्ग की ओर से पाठकों का ध्यान हटाकर समाज के मध्यम और निम्न श्रेणी के लोगों की आम समस्याओं की ओर परिवर्तित किया। किसान, मजदूर, क्लर्क, दुकानदार, जमींदार, साहूकार, सरकारी अफसर और पूंजीपतियों के संघर्ष का जैसा जीवंत चित्र प्रेमचंद ने उपस्थित किया है, वैसा उनसे पहले के हिंदी साहित्य में देखने को नहीं मिलता। प्रेमचंद ने एक दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे हैं। आपका पहला किंतु अपूर्ण उर्दू उपन्यास असरारे महादीप उर्फ देवस्थान रहस्य उर्दू साप्ताहिक आवाज एक खल्क में 8 अक्टूबर सन 1903 से 1 फरवरी सन 1905 तक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। आपका दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब था, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से सन 1907 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास कृष्ण वरदान और प्रतिज्ञा आदि सन 1900 से सन 1906 के बीच लिखे गए उपन्यास हैं। हिंदी में उनकी महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृति सेवा सदन है, जिसका प्रकाशन सन 1916 में हुआ था। हालांकि इसका लेखन सन 1914 में हुआ था। यह मूल रूप से आपके द्वारा बाजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा गया उपन्यास था, किंतु इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित कराया गया। इस उपन्यास में एक नारी के वेश्या बनने की कहानी है। सन 1918 में लिखा हुआ प्रेमाश्रम सन 1922 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास किसान जीवन की कथा से संबंधित है। यह भी उर्दू में लिखे गोशाये आफियत का हिंदी रूपांतर है। सन 1923 में लिखी हुई औपन्यासिक कृति निर्मला सन 1927 में प्रकाशित हुई। इस लघु उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। सन 1924-25 में रंगभूमि का प्रकाशन हुआ। रंगभूमि में त्याग, प्रेम और बलिदान के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास का नायक सूरदास तत्कालीन लोक नेता महात्मा गांधी की प्रतिमूर्ति है, जो अपने अधिकारों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति से भी संघर्ष करने के लिए प्रस्तुत है। त्याग और बलिदान उसके सबसे बड़े शस्त्र थे। इसके पश्चात सन 1928 में कायाकल्प और सन 1930 में गबन प्रकाशित हुए। कायाकल्प में सामाजिक समस्याओं के साथ साथ जन्म जन्मांतर तक चलते रहने वाले प्रेम की एक अद्भुत कहानी का वर्णन किया गया है। गबन नामक उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय परिवार की परिस्थितियों का चित्रण यथार्थवादी शैली में हुआ है। इस उपन्यास में स्त्रियों के आभूषण प्रेम तथा मध्य वर्गीय पुरुषों के मिथ्या आत्म प्रदर्शन का दुष्परिणाम दिखाया गया है। सन 1932 में प्रकाशित कर्मभूमि में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार तथा किसानों के उत्थान की कथा है। इस उपन्यास में तत्कालीन आंदोलन की प्रतिच्छाया स्पष्ट रूप से अंकित हुई है। सन 1936 में गोदान का प्रकाशन हुआ। यह प्रेमचंद के जीवन काल का सबसे अंतिम पूर्ण उपन्यास है। विश्व साहित्य के प्रमुख उपन्यासों में गोदान का स्थान आज भी प्रासंगिक है। यह प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस उपन्यास को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। इस उपन्यास में प्रेमचंद की साहित्य संबंधी विचारधारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की पूर्णता प्राप्त करती है।
एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदल देना जैसा था। सामंतवाद और पूंजीवाद के चक्र में फंसकर कथानायक होरी की मृत्यु पाठकों के हृदय को झकझोर देती है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास था, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। प्रेमचंद ने 300 से भी कुछ अधिक कहानियां लिखी हैं। आपने रविंद्रनाथ टैगोर की अनेक कहानियों के उर्दू अनुवाद प्रकाशित कराए। बाद में आपने उर्दू में मौलिक कहानियां भी लिखी, जो कानपुर के जमाना तथा इलाहाबाद के अदीब नामक पत्रों में प्रकाशित होती रही। प्रेमचंद की सबसे पहली मौलिक कहानी संचार का अनमोल रत्न बताई जाती है, जो सन 1907 में जमाना में छपी थी। सन 1908 में आपका सोजे वतन नामक उर्दू कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। सन 1917 से प्रेमचंद के जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, उनमें प्रमुख हैं सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम पसुन, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, पांच फूल, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचमी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, बैंक का दिवाला, शांति और अग्नि समाधि आदि। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात भी उनकी कहानियों के अनेक संस्करण निकले हैं। प्रेमचंद की लगभग सभी कहानियों का संग्रहण मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हो चुका है। आपकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, द बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सतगति, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, मंत्र और दूध का धाम विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद की कहानियों में भारतीय समाज के मध्य वर्ग के अत्यंत सजीव चित्र उपलब्ध हैं। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त प्रेमचंद ने नाटक, निबंध, जीवनी जैसी अन्य विधाओं पर भी अधिकार से लिखा है। इसके अतिरिक्त आपने अनुवाद भी किए हैं। आपके 3 नाटक संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी लिखे हैं। आपके अनेक आलोचनात्मक लेख जागरण और हंस के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हुए हैं। इनमें से कुछ का संग्रह कुछ विचार नामक पुस्तक में भी उपलब्ध है। महात्मा शेख शादी, दुर्गादास और कलम, तलवार और त्याग आदि जीवनियां उल्लेखनीय हैं। जीवनसार आपकी आत्मकहानी है, जो हंस में प्रकाशित हुई है। आपने अनेक अनुवाद भी किए। बच्चों के लिए लिखी गई रचनाओं में मनमोदक, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ और रामचर्चा विशेष उल्लेखनीय हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद फिल्मी दुनिया से भी जुड़े। आपने मोहन दयाराम बहुनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की। सन 1934 में प्रदर्शित मजदूर नामक फिल्म की कथा लिखी और कॉन्ट्रैक्ट की साल भर की अवधि पूरे किए बिना ही 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस भाग आए। इसके अनंतर प्रेमचंद हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से एक हैं। प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत राय ने सन 1977 में शतरंज के खिलाड़ी तथा सन 1981 में सदगति नामक प्रेमचंद की 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई। प्रेमचंद के देहांत के 2 वर्षों बाद सुब्रह्मण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बा लक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सन 1977 में मृणाल सेन ने कफन पर आधारित ओका उरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। सन 1963 में गोदान और सन 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्म बनी।
सन 1980 में आपके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। प्रेमचंद एक ऐसे बहुआयामी साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त अन्य अनेक विधाओं में अधिकार पूर्वक लिखा है। विश्व साहित्य में प्रेमचंद का प्रदेय आज भी प्रासंगिक है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में जीवन के सत्य का अनुसरण किया। उनका समूचा अस्तित्व देश की मिट्टी की सौंधी महक से अनुप्राणित था। उनके लेखन पर भारतीय परंपराओं के साथ साथ अन्य परंपराओं का प्रभाव भी रहा, किंतु उसका स्वरूप पूर्णतः भारतीय एवं प्रेमचंदमयी था। प्रेमचंद का साहित्य सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वजनीन है, क्योंकि आज भी उसका आनंद केवल भारतीय ही नहीं अपितु विश्व के सभी साहित्य प्रेमी ले सकते हैं। उन्होंने अपने साहित्य में आदर्श की स्थापना के साथ साथ जीवन के यथार्थ रूप का भी बहुत शालीनता से चित्रण किया है। आपका संपूर्ण जीवन दरिद्रता, अभावों और संघर्षों में व्यतीत हुआ है। उसका परिणाम यह हुआ कि आपके साहित्य में आपका अपना दर्द, पीड़ा, संतरास और प्रतिकूलताएं विराट रूप में भारतीय जनजीवन के दर्द और विसंगतियों के रूप में आकार पा गए। यह अनुभूति का यथार्थ था जो संस्कारित आदर्श से विमुख नहीं था। अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण, पर पीड़ा आदि का विरोध करते हुए भी आप समन्वय के पक्षपाती थे। प्रेमचंद उर्दू संस्कार लेकर हिंदी में आए थे और हिंदी के महान लेखक बने। आपने हिंदी को अपना एक विशेष मोहरा और खुलापन दिया। कहानी और उपन्यास लेखन में आपने युगांतरकारी परिवर्तन किए। आपने साहित्य में सामयिकता का प्रबल आग्रह स्थापित किया। आम आदमी को अपनी रचनाओं का विषय बनाया और उसकी समस्याओं पर खुलकर कलम चलाते हुए उन्हें साहित्य के नायकों के पद पर आसीन किया। सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी और उपनिवेशवाद पर आप आजीवन लिखते रहे। यह एक निर्विवाद सत्य है कि आप एक आम भारतीय के ही नहीं अपितु वैश्विक धरातल पर प्रत्येक विश्ववासी के साहित्यकार हैं। यही कारण है कि आपका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने रचनाकाल में था।